रुक करेंगे गुजरात का, जहां पे 1.5 घंटे की बारिश से शहर पानी पानी हो गया। बारिश से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पानी में बह गई है। नशेबी इलाकों के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। नवाही इलाके में छत गिरने से 2 बच्चे मलबे तले भी दब गए हैं। सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार बताइएगा। मूसलाधार बारिश के बाद जो है शहर के नशेबी इलाके, सड़कें, गली मोहल्ले जो है वो जेरे आब आ चुके हैं। बारिशी पानी जो है गली मोहल्लों में जो है 1 से 1.5 फुट जो है पानी खड़ा हो चुका है, जबकि शहर में निकासी आपके लिए जो कायम म्यूनसिपल कारपोरेशन के दफातर जो है वो खुद पानी में तैर रहे हैं। जेल चौक, म्यूनसिपल कारपोरेशन ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स जो है इनके चारों तरफ जो है कई कई फुट पानी खड़ा है, जबकि निकासी आपके लिए जो म्यूनसिपल कारपोरेशन का हमला है वो इक्का दुक्का मकामात पर ही जो है निकासी आपके लिए मुतहरक दिखाई दे रहा है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में जो है शहरी जो है अपनी मदद आपके तहत जो है अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं और रब्बे करम थमने की दुआएं कर रहे हैं। गुजरात में 1 से 1.5 घंटा तक जारी रहने वाली बारिश के बायस जो है कोटला में जो है एक घर की छत जमीन बोस होने से जो है 2 बहन भाई मलबे तले दबके हैं। बारिश की वजह से जो है शहरी शदीद परेशानी का शिकार भी है और डिप्टी कमिश्नर गुजरात से मुतालबा कर रहे हैं कि वो निकासी आपके लिए जो है हंगामी इकदाम करे।